आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सिक्स दैट इज द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज और उसमें हम सबसे पहले हम देखेंगे ट्राइंगल क्या होते हैं फिर हम पढ़ेंगे मीडियन ऑफ ट्राइंगल क्या होता है एल्टीट्यूड क्या होता है ट्राइंगल का फिर हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टू स्पेशल ट्राइंगल्स जिसमें हम इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड आइसोस्केलेस ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राएंगल और लास्ट हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्राएंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रो जैसा कि चैप्टर में बताया गया है ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज अब हमें पता है ट्राइंगल क्या होता है ऐसी क्लोज फिगर जिसकी तीन साइड्स होती हैं देखिए ये क्लोज फिगर है तो ऐसी क्लोज फिगर जिसकी थ्री साइड्स होती हैं साइड्स होती हैं हमारी थ्री राइट ये क्या कहलाती हैं ये साइड्स कहलाती हैं नेमिंग कर देती हूँ ए बी एंड सी तीन साइड्स कौन कौन सी हो गई लाइन सेगमेंट ए बी लाइन सेगमेंट बी सी एंड लाइन सेगमेंट सी ए क्या हो गई हमारी तीन साइड्स हो गई और क्या होता है इसमें अगर आप देखेंगे ये क्या है वर्टेक्स कहलाते हैं कॉर्नर्स इसके ट्राइंगल के तो हमारे कितने वर्टेक्स हुए थ्री ही वर्टेक्स हुए तो तीन वर्टेक्स होते हैं कौन कौन से वर्टेक्स हुए देखिए ए वर्टेक्स हुआ बी वर्टेक्स हुआ और सी वर्टेक्स हुआ और ट्राइंगल के तीन ही एंगल होते हैं कौन कौन से ये वाला एंगल ये वाला एंगल कैसे लिखेंगे देखिए एंगल भी तीन होते हैं बाद में एंगल कितने होते हैं ये बाद में लिखेंगे लेकिन कौन कौन से एंगल होते हैं अगर हमें ये एंगल स्पेसिफाई करना है तो हम मिड में लेते हैं तो कैसे लिखेंगे सी ए बी तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल सी ए बी तो देखिए ये ए पे था एंगल तो ए मिड में आना चाहिए याद रखिएगा इसको आप बी ए सी भी लिख सकते थे इसी तरीके से कौन सा एंगल होगा ये वाला तो जिसको क्या लिख सकते हैं हम इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी क्योंकि ये बी पॉइंट पे है तो देखिए बी बीच में आ रहा है और इसी तरीके से थर्ड एंगल कौन सा होगा ये वाला राइट right? तो इसको क्या लिखेंगे हम बी सी ए लिख सकते हैं या ए सी बी भी लिख सकते हैं तो कितने एंगल्स हुए तीन एंगल्स तो ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसमें तीन साइड होती हैं तीन वर्टेक्स होती हैं और तीन एंगल होते हैं वो क्या कहलाता है हमारा ट्रायंगल कहलाता है आज हम इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे कि ट्राइंगल क्या होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं आज हम इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे ये था छोटा सा जस्ट ट्राइंगल का अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ट्राएंगल अब मीडियन क्या होता है ट्राइंगल का डायग्राम के थ्रू समझते हैं देखिए ये मान लीजिए ट्राइंगल है जिसमें ए बी सी ये दे रखा है अब मीडियन होता है जहाँ से आप मीडियन घेर रहे हैं मान लीजिए B से घेर रहे हैं तो उसकी ओपोजिट साइड पे आप मीडियन ड्रॉ करेंगे और मीडियन हमेशा उस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है मतलब ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो यहाँ पे मान लीजिए ये आ गया डी पॉइंट हमने बी से एक मीडियन गेरा बी से एक मीडियन घेरा और ये बिल्कुल मिड पे आएगा और ये लाइन इसके इक्वल होगी ए डी डी सी के इक्वल होगी मीडियन क्या हुआ फिर मीडियन वर्टेक्स ऑफ दी ट्राइंगल को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे कनेक्ट करता है राइट तो उसे क्या कहते हैं मीडियन कहते हैं आप जैसे मैंने बी से मीडियन खींचा है उसी तरीके से आप ए से भी मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं कैसे देखिए मान लीजिए ये हमने मीडियन ड्रॉ किया राइट और जहाँ मीडियन ड्रॉ किया वो ई e पॉइंट हो गया तो ए ई e क्या हो गई मीडियन हो गई और बी ई ई सी के इक्वल हो गए अब जैसे बी से हमने मीडियन डाला एक ए से डाला उसी तरीके से आप सी से भी मीडियन डाल सकते हैं कैसे सी से एक मीडियन ड्रॉ किया राइट right? और ये हो गया एफ पॉइंट और ए एफ बी एफ के इक्वल हो गया इसका मतलब एक ट्राइंगल में कितनी मीडियंस हो सकती हैं मैक्सिमम? थ्री मीडियंस हो सकती हैं राइट right? और मीडियन हमेशा याद रखिएगा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है ऑपोजिट साइड को तो ये थी मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल अब एल्टीट्यूड क्या होता है अब एल्टीट्यूड का मतलब हाइट भी होती है राइट right? ट्रायंगल की हाइट तो एल्टीट्यूड हमेशा ध्यान रखिएगा परपेंडिकुलर होता है ऑपोजिट साइड पे ये मान लीजिए ये एक ट्राएंगल है और हमने इसका एल्टीट्यूड बनाना है तो एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री का स्ट्रेट लाइन होती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है दैट इज़ परपेंडिकुलर। लेकिन मीडियन जो होता है वो परपेंडिकुलर बाई होता है ऑपोजिट साइड का अब पेंडिकुलर और पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या डिफरेंस होता है तो सबसे पहले वो देख लेते हैं परपेंडिकुलर होता है जो नाइन स्ट्रेट लाइन पर्पेंडिकुलर होता है ऐसी स्ट्रेट लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी लेकिन पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना मतलब मिड पॉइंट होना राइट right? अगर मैं कह रही हूं ये लाइन पर्पेंडिकुलर ड्रॉ कर रही है तो मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है अब मैं कह रही हूँ इस लाइन पे पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है मतलब वही जो हम करते थे आधे से ज्यादा कंपस में एक मार्क यहाँ किया एक मार्क यहाँ दूसरे पॉइंट पे रखा एक मार्क यहाँ किया एक मार्क यहाँ तो जहाँ पे भी वो कट करेगा वो क्या होगा उस लाइन का मिड पॉइंट होगा जिसने उस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है वाई राइट तो एल्टीट्यूड तो पर्पेंडिकुलर होता है लेकिन मीडियन क्या होता है पर्पेंडिकुलर मीडियन जहाँ पे भी ऑपोजिट साइड पे टच करता है वर्टेक्स की वो पॉइंट पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है राइट right? तो ये था डिफरेंस और एल्टीट्यूड मतलब हाइट होना ट्राइंगल की कि ट्राइंगल की कितनी हाइट है राइट right? तो ये था एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल

ये मान लीजिए एक ट्राएंगल है नाम से ही समझ में आ रहा है एक्सटीरियर तो एक्सटीरियर मीन्स बाहर का एंगल ये मान लीजिए ये ट्राइंगल का बाहर का एंगल है ट्राएंगल के अंदर के एंगल कौन से होते हैं जो इसकी क्लोज बाउंड्री के अंदर के एंगल्स होते हैं वो होते हैं इंटीरियर एंगल्स लेकिन इस क्लोज बाउंड्री के बाहर का एंगल क्या कहलाता है एक्सटीरियर एंगल कहलाता है राइट तो जिससे येलो से मार्क कर रही हूँ वो इंटीरियर एंगल्स हो गए और जो ग्रीन से मार्क्ड है वो हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राएंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है वो कहती है कि जो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके सम के इक्वल होता है वो इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के और इस, ये वाला एंगल इसके साथ है इसके इस एंगल के ऑपोजिट साइड पे जो इंटीरियर एंगल है उनके सम के इक्वल होता है जो मैं रेड से मार्क कर रही हूँ राइट right? ये वाले एंगल का सम इन दो एंगल के सम के इक्वल होता है राइट तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एड इट्स प्रॉपर्टी में कि एन एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल इज इक्वल टू द सम Equal to the sum of its interior opposite interior opposite angles. Angles. फिर से बता रही हूँ, ये exterior angle है और ये तीनों interior angle हैं। तो इस angle का sum इसके opposite एंगल्स के सम की इक्वल होगा मान लीजिए यहाँ पे ये दो एंगल्स दे रखें ये 70 डिग्री दे रखा है ये 40 डिग्री दे रखा है राइट तो हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है कितने का होगा तो कैसे निकालेंगे एक्सटीरियर एंगल ये वाला एंगल निकलेगा हमारा अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 70 प्लस 40 तो दैट इज़ वन वन ज़ीरो डिग्री तो हमें पता चल गया एक्सटीरियर एंगल कितने का हो गया हंड्रेड 10 डिग्री का हो गया राइट right? तो ये थी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम जो कहती है कि एक्सटीरियर एंगल किसका सम होगा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स का सम होगा राइट अब नेक्स्ट आती है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या कहती है मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है और इसके तीन एंगल्स दे रखे हैं हमें ये एंगल 1 ये एंगल टू है और ये एंगल थ्री है तो एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि ट्राइंगल के इंटीरियर तीनों एंगल का सम कितना होगा हमारा 180 डिग्री होगा तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है दैट द ऑल द एंगल्स ऑल द इंटीरियर एंगल्स इंटीरियर एंगल एंगल्स ऑफ अ ट्राएंगल इज इज 180 एट्टी डिग्री हमेशा ट्राएंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो मतलब अगर एंगल वन कहें मैंने वन टू थ्री लिखा है इसलिए एंगल वन एंगल टू और एंगल थ्री लिख रही हूँ इन तीनों को ऐड करें तो कितना आना चाहिए हमारा हमेशा 180 डिग्री आना चाहिए तो ये थी हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी अब नेक्स्ट आता है हमारे दो स्पेशल टाइप के ट्राइंगल्स जो कौन से होते हैं इक्विलेटरल एंड आइसोस्केलेस ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इज टू स्पेशल ट्राइंगल्स तो टू स्पेशल ट्राइंगल में पहला है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है देखिए इक्वी नाम से ही समझ में आ रहा है इक्वी इक्वी मीन्स इक्वल ऐसा ट्राएंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राएंगल तो देखिए इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं ये तीनों साइड्स इक्वल हैं तो ये क्या कहलाएगा इक्विलेटरल ट्राएंगल कर लाएगा और इक्विलेट्रल के तीनों एंगल्स कितने कितने डिग्री के होते हैं क्योंकि इसकी दोनों साइड्स इक्वल होती हैं तो इसके तीनों एंगल्स सिक्सटी सिक्सटी डिग्री के होते हैं राइट right? तो पहला पॉइंट क्या हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल के कि ऑल साइड्स हैव इक्वल लेंथ इक्वल कहें या सेम कहें इक्वल और सेम लेंथ की होती है और दूसरा हुआ कि इक्विलेट्रल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं तो ईच एंगल ज मेजर डिग्री राइट तो यह था इक्विलेटर ट्राइंगल अब नेक्स्ट आता है आइसोस्केलेस ट्राइंगल क्या होता है सेकेंड इज आइसोस्केलेस ट्राइंगल आइसोस्केलेस ट्राइंगल होता है जैसे इक्विलेटर में तीनों साइड इक्वल होती है आइसोस्केलेस ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है ये देखिए अगर आप देखेंगे तो ये वाली साइड इसकी इक्वल है तो ये क्या हुआ आइसोस्केलेस ट्रायंगल हुआ और आइसोस्केलेस ट्रायंगल की ये दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं राइट तो हम क्या लिख सकते हैं आइसोस्केलेस के लिए टू साइड्स हैव सेम लेंथ दोनों साइड्स की सेम लेंथ होती है सेम लेंथ और क्या लिख सकते हैं दैट एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल राइट तो ये था आइसोस्केलेस ट्राइंगल नेक्स्ट टॉपिक इज सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल जो क्या कहती है कि एक ट्राएंगल है मान लीजिए इसका नेमिंग कर देते हैं ये है ए बी और सी सम ऑफ़ द लेंथ ऑफ द टू साइड ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राएंगल कहता है कि ट्राएंगल की किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से ज़्यादा होगा मतलब अगर हम ए बी साइड प्लस बी सी साइड करें तो वो ज़्यादा होगा किस से सी ए साइड से इसी तरीके से अगर हम बी सी प्लस सी ए करें तो वो ज़्यादा होगा किस से ए बी साइड से और इसी तरीके से अगर हम सी ए प्लस ए बी करते हैं उनका सम ज़्यादा होगा किस से बी सी से तो ये थ्योरम कहती है कि अगर ट्रायंगल की किसी भी दो साइड्स का आप सम करेंगे वो ज़्यादा होगा तीसरी साइड से अब नेक्स्ट टॉपिक है राइट एंगल ट्राइंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी ये क्या कहती है देखिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल पता है राइट एंगल ट्राइंगल होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो देखिए ये है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है राइट ए बी एंड सी राइट एंगल्ड है अब पाइथागोरस क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम हमेशा एक ठ... एक प्रॉपर्टी होती है पाइथागोरस जो हमेशा उसी ट्राइंगल में लगती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है और वी कैन से दैट पाइथागोरस थ्योरम जब ही एप्लीकेबल होती है जब उसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है यहाँ पे लिख देते हैं कि जब ट्रायंगल राइट एंगल्ड होता है ट्रायंगल मस्ट बी ट्रायंगल मस्ट बी राइट एंगल्ड पाइथागोरस थ्योरम तभी एप्लीकेबल होगी जब ट्राइंगल राइट एंगल्ड हो लेकिन अगर एक राइट right एंगल्ड नहीं है एक एंगल ट्राइंगल का 90 डिग्री नहीं है तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी उस पर एप्लीकेबल नहीं होती है राइट right? अब पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है हमें पता है देखिए ये हमारा हाई पोटिन्यूज है हाई पॉटन्यूस ये हमारा बेस होता है और ये हमारा परपेंडिकुलर होता है राइट right? अब पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है राइट एंगल्ड पे लगती है और कैसे निकालते हैं हाई का स्क्वायर किसके इक्वल होता है अदर दो लेग्स के स्क्वायर के इक्वल होता है मतलब पर्पेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल हाई का स्क्वायर अदर दो लेग्स के सम के स्क्वायर के इक्वल होता है राइट तो ये था हमारा इंट्रो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज